आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मैक्स मीडिया सबा के साथ। निखत जरीन के लिए तेलंगाना हुकूमत ने किया 2 करोड़ रुपए का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने आलमी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन के लिए 2 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। इसी तरह ISSF शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना की खिलाड़ी ईशा सिंह के लिए भी इनाम का ऐलान किया गया है। ईशा सिंह ने जर्मनी में हाल ही में खत्म हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि दोनों खिलाड़ियों को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में मकानात के लिए अराजी दी जाएगी। TRS हुकूमत ने इन दोनों खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। निखत जरीन ने इस्तांबुल तुर्की में फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की जतपुम जोटामार्क्स को शिकस्त देकर ख्वातीन की आलमी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जमरे में सोने का तमगा जीता था। इस तरह जरीन मेरी कॉम सरिता देवी के बाद आलमी चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर बन गई है। 25 साल जरीन साबिक जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। फाइनल में अपनी थाई हरीफ के खिलाफ जरीन ने शानदार मुकाबला किया और सोने का तमगा अपने नाम किया था।